टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रिकॉर्ड डेटा जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं उन अकाउंट से संबंधित बातें आज हम करेंगे। पार्टनर्स अकाउंट दो मेथड से बनाए जाते हैं, जिनमें एक का नाम है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इन दो मेथड को अलग अलग बाइफर्केट करने का मेन रीजन होता है कि इसमें वन अकाउंट्स बनते हैं, इसमें वन अकाउंट्स बनते हैं और इसमें टू अकाउंट्स बनते हैं। इसमें जो अकाउंट्स बनते हैं उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, इनमें जो अकाउंट बनते हैं उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट बोलते हैं। हम जनरली बच्चों को अभी तक जो पढ़ाया वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था, जिसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने सिखाया, साथ में पेंडल अप्रोप्रिएशन। हाँ, एक बात और, पेंडल अप्रोप्रिएशन दोनों मेथड में मैंडेटरी है, मैंने आवश्यक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी हम पेंडल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, इसमें भी पेंडल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। इनमें पेंडल अप्रोप्रिएशन के साथ जो घर बनाते हैं वो पार्टनर से रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितने भी ऑल इन्फॉर्मेशन होती है पार्टनर से रिलेटेड वो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंटेन होती है। यहाँ पर दो घरों में बाइफर्केशन हो जाती है। देखिए आप यहाँ पर लिखा है कि अंडर फिक्स कैपिटल मेथड टू अकाउंट्स पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर आर मेंटेन द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंट्रोडक्शन और विदड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। मतलब जो पार्टनर अपना कैपिटल लगाएगा या निकालेगा उसकी डेटा कैपिटल अकाउंट में मेंटेन होगी, और उसके अलावा जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन होगा, जिसमें ट्रांजेक्शन जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन और जो प्रॉफिट एंड लॉस जो लास्ट में बैलेंसिंग बचता है पेंडल अप्रोप्रिएशन में, अगर उससे रिलेटेड ये आइटम होते हैं तो करेंट अकाउंट में जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। अच्छा, मेन रीजन है दो घरों का बनाने का, वो रीजन ये है कि फिक्स कैपिटल मेथड में जो दो घर बनाते हैं जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अलग होता है, मतलब अगर हम यहां पर बोले तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर यहां पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो हम यहाँ अलग अलग बनाते हैं, उसका मेन रीजन है कि यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर जो पैसा स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करेगा प्लस वो जो पैसा ड्यूरिंग द ईयर एक्स्ट्रा कैपिटल के नाम पर लगाएगा या कैपिटल के नाम पर विड्रॉ करेगा वो यहाँ पर मेंटेन होगा, और ड्यूरिंग द ईयर जो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन होते हैं जो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को रिलेट करते हैं वो पार्टनर करेंट अकाउंट में जाएंगे। मैं पहले बता दूं, मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ कि चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो बिजनेस का खर्चा होता है जिसको काटने के बाद प्रॉफिट आती है फिर वो पार्टनर में बांटा जाता है। तो यहां पर ये दो घर मेंटेन होते हैं और यहां पर सिर्फ एक घर मेंटेन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो बिजनेस के खर्चे काटने के बाद प्रॉफिट आते हैं उसमें पेंडल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, उसमें ड्यूरिंग द ईयर जो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच ट्रांजेक्शन होता है जो एज पर पार्टनरशिप डीड होता है उसकी सारा डेटा मेंटेन यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक घर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं अपने बच्चों को बताया हूँ कि सात मेन कंटेंट होते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व एंड जो लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर बचता है उन सबों को लेकर इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेन एक थ्योरी पोर्शन है जो बच्चों को जानना जरूरी है कि दोनों में क्या बाइफर्केशन होती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक घर बनता है, फिक्स कैपिटल मेथड में दो घर बनते हैं, और इसके थ्रू फिर हम पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करने सीखेंगे।